नमस्कार बच्चों, मैं आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ एवं तंदुरुस्त होंगे और पढ़ने के लिए उत्साहित होंगे। जैसा कि पिछले वीडियो में आपने पढ़ा था कि श्वसन की प्रक्रिया किस प्रकार संपन्न होती है, यहाँ पर श्वसन तंत्र जो है अंतःश्वसन और उच्च श्वसन के माध्यम से गैसों का आदान प्रदान फेफड़ों के माध्यम से संपन्न होता है। तो इसको एक क्रियाकलाप के माध्यम से हम समझते हैं। जैसे ही एक बोतल लेते हैं और इस बोतल में यहाँ पर एक नली होती है, उस नली में इसको लगा देते हैं, तो आप इसमें क्या देखते हैं कि एक बोतल लेकर जैसे गुब्बारे हैं, दो मुख वाली यहाँ पर पाइप इसमें लगा रहता है और इस दो मुख वाली पाइप में यहाँ पर दोनों गुब्बारे इसमें लगा देते हैं, जिसे हम अपने शरीर में जैसे लंग्स होते हैं। इसके ऊपरी भाग में यहाँ पर प्लास्टिक का कर्व यहाँ पर जो है कोर का लगा देते हैं, ताकि जो है वह ठीक प्रकार से इसके मुख में बना रहे और सील इसको बंद कर देते हैं, ताकि जब भी आप इसमें हवा भरेंगे तभी बाहर ना निकल सके। और इसके बॉटम में कुछ यहाँ पर जो है एक प्लास्टिक सीट इस पर लगा देते हैं, तो आप इसमें परिवर्तन होते हुए देखेंगे और प्रयोग को समझेंगे। जैसे ही आप इस मुख के माध्यम से गुब्बारे में हवा भरेंगे तो क्या परिवर्तन होता है, तो आपने देखा जैसे आप इसमें हवा भरेंगे तो इसकी जो सीट लगी हुई थी वो भी एक प्रकार से फूल जाती है। देखिए, तो वापस गुब्बारे में हवा भरी और जैसे अंतःश्वसन की प्रक्रिया करते हैं तो यहाँ पर फेफड़े फूलते हैं और इसका डायफ्राम भी फूलता है। जैसे एक प्रकार से वायु निकलती हैं तो ये वायु निकलने के दौरान तो अपने अंदर की वायु जैसे बाहर निकलती हैं, तो अंतःश्वसन ज़्यादा आयतन इसमें होता है और ज़्यादा आयतन होने के कारण कम दाब इसमें लगता है। तो इस क्रियाकलाप के माध्यम से हम इसको समझ सकते हैं और ये जो है सीट भी अंदर की ओर चले जाते हैं और फेफड़े शिथिल हो जाते हैं यानी सिकुड़ जाते हैं। जब वायु बाहर निकलती है उस दौरान ये क्रिया होती है, तो वायु निकलती तो कम आयतन के साथ ये जो है निकलते हैं और दाब इसमें क्या होता है ज़्यादा होता है। जैसे आप गुब्बारे छोड़ें तो एक प्रकार अधिक दाब के माध्यम से क्या होती है हवा बाहर निकलती नहीं निकलती निकलती हैं, तो ये फेफड़े की स्थिति यहाँ पर बता रखे हैं और जिसमें ये सीट है ये डायफ्राम की स्थिति होती है। जिसे हम श्वसन की प्रक्रिया करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं अंतःश्वसन की प्रक्रियाओं के दौरान डायफ्राम ऊपर की ओर यहाँ पर गति करता है, उच्च श्वसन के दौरान डायफ्राम नीचे की ओर गति करता है। तो डायफ्राम के नीचे की ओर गति होना तो इस सीट के माध्यम से समझ सकते हैं। अंतजंतों में श्वसन की क्रिया किस प्रकार से संपन्न होती है, तो अन्य जंतुओं में भी श्वसन की क्रिया को हम यहाँ पर समझ सकते हैं। अलग अलग जो जंतु हैं वह श्वसन की क्रिया संपन्न करते हैं और श्वसन के लिए अलग अलग जंतुओं में अलग अलग श्वसन अंग यहाँ पर कार्य करते हैं। जले जंतुओं में अलग प्रकार से होगा, कीटों में अलग प्रकार से होता है। तो जैसे यहाँ पर हम बात करेंगे कॉकरोच, कॉकरोच ने सभी देखा होगा अपने घरों पर भी उपस्थित होता है, यहाँ जहाँ पर अंधकार होता है अंधेरा होता है और रात्रि के समय आपको दिखाई देता है। तो इसमें कुछ श्वास रंध्र इसमें पाए जाते हैं इस कॉकरोच के अंदर और इस श्वास रंध्र के माध्यम से ही श्वसन की प्रक्रिया इसमें संपन्न करता है। तो इसमें श्वसन प्रणाली आपको बताए रखी है कि किस प्रकार इसमें जो है श्वसन के लिए श्वास रंध्र इसमें उपस्थित होते हैं, जिससे श्वसन क्रिया करेगी तो ये इसके श्वसन प्रणाली के माध्यम से शरीर से बाहर निष्कासित कर दी जाती है। और इसमें इन श्वसन रंध्रों के माध्यम से ही ये ऑक्सीजन का उपयोग लेगा और शरीर में उपस्थित CO2 को बाहर निष्कासित करता है। ठीक उसी प्रकार से केचवा, सबने देखा होगा केचवा है ना, बहुत स्मूथ वो चिकना होता है और स्पर्श करने पर आपको ऐसा संभव होता है कि नहीं मुझे स्पर्श नहीं करना चाहिए, तो ये विसरण के माध्यम से ही श्वसन की प्रक्रिया करता है। सामान्य सतह के माध्यम से जो है श्वसन की प्रक्रिया को ये संपन्न करेगा और ऑक्सीजन को उपयोग लेते हुए CO2 को बाहर निष्कासित करता है, ये भी किसके द्वारा विसरण विधि के माध्यम से। मछली में देखते हैं किस प्रकार श्वसन की क्रिया होती है, तो मछली है तो ये मछली में क्रोम या गिल्स पाए जाते हैं, इसके माध्यम जल में उपस्थित ऑक्सीजन को ये श्वसन के लिए उपयोग में लेती हैं और इन गिल्स यानी पानी में घुली ऑक्सीजन का उपयोग श्वसन के लिए करेगी और रक्त वाहिनी के माध्यम से ये जो है यहाँ पर O2 का उपयोग करते हुए वही वापस विसरण विधि के माध्यम से शरीर से बाहर निकालती है। मेंढक, तो ये मेंढक में एक प्रकार से लंग्स जैसे कार्य करते हैं, उभयचर प्राणी होता है
और ये त्वचा और फेफड़ों के माध्यम से श्वसन की प्रक्रिया को संपन्न करता है। तो इसमें देख सकते हैं आप लंग्स किस प्रकार इसमें कार्य करते हैं। तो कभी आपने मेंढक को बैठा हुआ देखा होगा, उसी प्रकार पादप भी जो है श्वसन की प्रक्रिया करते हैं। तो ये श्वसन की प्रक्रिया किसके माध्यम से, पत्तियों में क्या पाते हैं, रंध्र पाते हैं। इस रंध्र का उपयोग श्वसन के लिए करेगी, CO2 का उपयोग करते हुए ये जो है O2 को बाहर निष्कासित करते हैं और O2 हम जो इसको उपयोग में लेते हैं। तो रंध्रों का खुलना और बंद होना, तो रंध्रों के माध्यम से ही इसमें जो है श्वसन की प्रक्रिया संपन्न होती है और ऑक्सीजन CO2 का ये निष्कासन करते हैं, O2 को जो यहाँ पर निष्कासित करते हैं। तो ये नवजात प्लांट में या पौधों में इस प्रकार की क्रिया को आप देख सकते हैं। तो इसमें श्वसन के लिए क्या पाते हैं, रंध्र पाए जाते हैं और रंध्र ही यहाँ पर जो है ये श्वसन के लिए सहायक होते हैं। ये मूल ग्रंथियाँ हैं, जल से घुली हुई ऑक्सीजन का यहाँ पर कुछ खनिज लवण इत्यादि जो है मृदा में उपस्थित होते हैं, जल हैं उसको उपयोग में लेते हैं। तो इन मूल कोशिकाओं के माध्यम से ये जो है यहाँ पर रंध्र की प्रक्रिया को संपन्न करते हैं श्वसन के लिए। तो ये केचुआ में है, उसी प्रकार मेंढक में अलग अलग जीवों में श्वसन के लिए अलग अलग यहाँ पर कार्य करते हैं। अब हम इसकी दोहराई कर लेते हैं कि इसमें हमने क्या क्या पढ़ा है। तो दोहराई में हम देखते हैं यहाँ पर श्वसन सभी जीवों के लिए, जीवित रहने के लिए आवश्यक है। ये जीव द्वारा लिए गए भोजन से ऊर्जा को निर्मुक्त करते हैं। ऑक्सीजन की उपस्थिति में होने वाला श्वसन के प्रक्रम को वायु श्वसन कहा जाता है और यदि श्वसन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है तो इसे अवायु श्वसन कहते हैं। शारीरिक सक्रियता को बढ़ाने के साथ श्वसन दर बढ़ जाते हैं। गाय, भैंस, कुत्ते, बिल्ली जैसे जीवों में श्वसन अंग और श्वसन प्रक्रम मानव के समान ही होता है। केचुए में गैसों का आदान प्रदान उसकी आर्द्र त्वचा के माध्यम से ही संपन्न होता है। तो ये हमने इस लेसन की दोहराई करी है, आगे कुछ और टॉपिक्स में दे रखे हैं उसका हम अध्ययन करेंगे। सभी को धन्यवाद।